दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नोबल प्राइज़ 2022 और ये जो नोबल प्राइज़ मेडिसिन का जो 2022 का मिला है वो किसे मिला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। छोटी सी ट्रिक से मैं आपको याद करा दूँगा उसका नाम, और ऐसा याद होगा कि आप जो है कभी भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए, 2022 की जो नोबल प्राइज़ है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के जो नोबल प्राइज़ हैं वो किसे मिला है, वो मिला है एक स्वीडिश साइंटिस्ट है, सावंते पाबो को ये मेडिसिन का जो है नोबल प्राइज़ मिला है। और किस लिए मिला है, ये मिला है जीनोम ऑफ एक्सटिंट होमिनाइंस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए। और ये दिया कहाँ गया है, ये दिया गया है स्टॉकहोम। थॉमस पर्लमैन जो सेक्रेटरी हैं नोबल असेंबली एट कैरोलिंस का इंस्टीट्यूट के स्टॉकहोम के, उन्होंने ये प्राइज़ जो है इन्हें क्या नाम सावंते पाबो को दिया है 3 अक्टूबर 2022 को। तो देखिए, तो एक मैं आपको बताता हूँ इसके याद करने की नाम को, क्योंकि नाम जो है लोग भूल जाते हैं और कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ट्रिक क्या है भाई, देखिए सावन में लोग क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो सावन में जब लोग बीमार हो जाएंगे तो उनको क्या है मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी छोटी सी ट्रिक, जब सावन में लोग बीमार होते हैं तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। सावन से आपको याद रखना है सावंते पाबो, इनको जो है मेडिसिन का नोबल प्राइज़ मिला है। ये हैं सावंते पाबो। तो सावन में लोगों की तबीयत ख़राब होती है तो उनको जो है मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। यही थी हमारी ट्रिक। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।